दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मेमोरी के क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताने वाला हूं और इसको समझाने के लिए मैंने एक पूरा यहां पे चार्ट बना रखा है जिसके माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं और कौन से मेमोरी का हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मेमोरी है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मेमोरी जो पहला मेमोरी होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो मेमोरी होता है आप यहाँ पे देख पाएंगे सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कि ऐसा मेमोरी जिसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले इन दी सेंस ये हुआ कि हम कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी को ही यूज करेंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, तो प्रोसेसर और जो प्राइमरी मेमोरी है इन दोनों के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको जो है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को यूज करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर को डाटा या कोई भी इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और जो प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करता है अपनी मेमोरी के थ्रू। तो प्राइमरी मेमोरी इन द सेंस ये हुआ कि जिस मेमोरी का कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ में होता है वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये हुआ कि ऐसा मेमोरी जिसका कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ में डायरेक्ट नहीं होता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी को अगर प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेशन करना है तो उसे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है और प्राइमरी मेमोरी तब जो है सेकेंडरी मेमोरी के साथ में कम्युनिकेट करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कैशे मेमोरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स वगैरह में ज़्यादातर जो है आपसे पूछे जाएंगे कि ये कैशे मेमोरी क्या होते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ जो कैशे मेमोरी है इसका क्या मतलब होता है। तो जो कैशे मेमोरी है इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रैम और प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास में रैम है और यहाँ पे प्रोसेसर है, तो बीच में एक जो होता है वो कैशे मेमोरी होता है जो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का काम करता है। वैसे जो कैश मेमोरी होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, यानी कि जो उसका साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और ये काफ़ी फास्ट होता है। इसका जो नेचर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और इट इज़ द फॉर्म ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, और ये किस फॉर्म में होता है, सीपीयू के रजिस्टर्स के फॉर्म में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कैशे मेमोरी है इसका हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग रैम और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए करते हैं। ये काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी फास्ट होता है। और ये आपसे पूछे कि ये कौन से फॉर्म में होता है, तो ये सीपीयू रजिस्टर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन मेमोरी के बारे में। तो मेन मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम और रोम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप चाहें तो इसको नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे फुल फॉर्म को मैं वहाँ पे डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ से आप अपने नोटबुक पे उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैम के बारे में, रैम क्या होता है। देखिए रैम मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो रैम उसका जो है एक मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर में जो भी एग्जीक्यूशन्स होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो सारे टास्क जो है वो रैम के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, और रैम जो होता है एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो रैम दो प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम।
एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों के क्या क्या मतलब है, किस तरीके से यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि ये जो एस रैम है इसे बार बार चार्ज होने की यानी कि रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से अगर हम डी रैम की बात करें तो इसको कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो मेमोरी होता है इसे हम लोग बार बार रिफ्रेश करते हैं और इसे हम लोग बार बार इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो इसे हमें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत होती है। और एस रैम को हमें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। और डायनामिक का मतलब होता है कि आप उसको रेगुलरली रिफ्रेश कर सकते हो या फिर उसमें उसको आप इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो। एस रैम किस फॉर्म में होता है, तो फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में होता है, और डी रैम किस फॉर्म में होता है, तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे रोम के बारे में। तो रोम का क्या मतलब होता है, रीड वनली मेमोरी। क्या मतलब होता है, रीड वनली मेमोरी। और ये तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम करने के लिए दे दिया जाए तो वो किस पे होगा, वो होगा पी रोम पे, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। और उसमें कुछ अगर आपको चेंजेस करने हैं, अगर आपको कुछ उसमें इरेजिंग से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो वो आप काम कर सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, यानी कि ई पी रोम पे जो है आप उसे क्या कर सकते हैं, इरेज करने का काम कर सकते हैं। और वो जो इरेज होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो अल्ट्रा वायोलेट एक रे होता है, उस फॉर्म में जो है आप ई पी रोम में लिखे हुए किसी भी प्रोग्राम को आप इरेज कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। यहाँ पे जो यहाँ इरेज का काम हो रहा था वो अल्ट्रा वायोलेट रे के फॉर्म में हो रहा था, लेकिन वहीं हम यहाँ पे बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली इरेज करने का काम कर रहा है। तो ये रोम के तीन प्रकार हो गए, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। रैम दो प्रकार के हो गए, एस रैम और डी रैम। अब मैं अब आप लोग को बताता हूँ कि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिस मेमोरी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ में नहीं होता है, ऐसे मेमोरी को प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्राइमरी मेमोरी का हेल्प लेना होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी यानी कि जहाँ पे आपका डाटा परमानेंटली सेव रहता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऑक्सिलरी मेमोरी भी होता है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जहाँ पे आपका डाटा वोलेटाइल ना हो, यानी कि जहाँ पे डाटा आपका डिलीट ना हो या फिर डाटा आपका वैनिश ना हो, तो वो जो मेमोरी होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है, या फिर इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी को आप टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग प्रकार की होती हैं। मैग्नेटिक टेप, पहले के ज़माने में एक टेप आया करता था जिसमें दो बने हुए होते थे गोल गोल, उसमें क्या होते थे, उसके ऊपर से एक पट्टी चल रही होती थी जिसको हम लोग मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। उसमें बेसिकली जो चीज़ें होती थी वो सिक्वेंशियल एक्सेस में हम लोग उसको एक्सेस कर पाते थे। सिक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक कैसेट में 9 सॉन्ग्स हैं, अगर आपको किसी 3 नंबर सॉन्ग्स को अगर आपको प्ले करना है तो पहले आपको 1 नंबर 2 नंबर को सुनना पड़ेगा या उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी आप जो है 3 नंबर या उसके आगे के सॉन्ग्स को आप प्ले कर सकते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस। और उस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। अगला है मैग्नेटिक डिस्क। इसमें SSD, FDD, SSD ये जितने भी
मेमोरीज होती हैं जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, वो सारे जो हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आते हैं। SSD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हालांकि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का हम लोग यूज अब नहीं करते हैं, इसके बदले में अब हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर आज के समय में हम लोग सबसे ज़्यादा जो मेमोरी का यूज़ करते हैं वो SSD का करते हैं, जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो FDD है इसको रिप्लेस कर दिया गया SSD के साथ में। रीजन ये था कि जो FDD का साइज़ था वो काफ़ी कम था, MB में था, 1.44 MB समथिंग था वो, तो इसलिए जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो नीड्स थी, वो फुलफिल नहीं हो पाती थी, इसके वजह से ही हमने इसको क्या कर दिया, FDD को रिप्लेस कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं, CD, DVD, BRD और HVD। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, CD को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, और जिसका जो साइज होता है वो 700 MB का होता है। DVD यानी कि वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, और इसका जो साइज होता है 4.7 GB का होता है। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू आप वो वाला ब्लू मत कर दीजिएगा, BLUE इसको मत कीजिएगा, ये जो ब्लू है ये रॉन्ग है। आप कैसे लिखेंगे, BLU, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ BLU, ठीक है। तो ये ब्लू रे डिस्क, BRD का क्या फुल फॉर्म है, ब्लू रे डिस्क, और इसका जो साइज होता है ये 25 से लेकर के 50 GB तक के हो सकते हैं। HVD का मतलब होता है होलोग्राफिक वीडियो डिस्क, और इसका जो साइज है 3.5 TB के आसपास हो सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें फ्लैश मेमोरी के बारे में, तो फ्लैश मेमोरी में आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं आप लोग, उसे भी हम लोग फ्लैश ड्राइव ही कहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में बताया है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो इसलिए नहीं बताई है कि अभी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पे बता दूंगा तो हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है वो क्या होता है, और उसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो अलग अलग जो मेमोरीज होती हैं, जैसे बिट, बाइट, निबल, KB, MB, GB, TB, XB, जितनी भी मेमोरीज होती हैं उसको हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या रूल होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।